एंग्लो इंडियन न्यूज सच की तह तक। दर्शकों नमस्कार, खबर उन्नाव उत्तर प्रदेश से, जहां शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस लाइन्स उन्नाव में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया गया। उनकी स्मृति में परेड हुई। पुलिस अधीक्षक उन्नाव दीपक भूकर द्वारा अपने संबोधन में सभी पुलिसकर्मियों को एक वर्ष में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को याद करते हुए उनकी शौर्य गाथा बताई गई। पुलिस अधीक्षक उन्नाव के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दक्षिणी सर्किल के क्षेत्र अधिकारीगण और प्रतिष्ठा निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन्स एवं उपस्थित पुलिसकर्मियों के साथ शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्नाव उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर 2024 के अवसर पर मैं प्रदेश के उन सभी बहादुर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश एवं प्रदेश की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का इतिहास स्वर्णिम एवं गौरवमयी है, जिसने भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। उत्तर प्रदेश जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में पुलिसकर्मियों ने न केवल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि वे निरंतर सजग व सतर्क रहते हुए समाज में शांति और सुरक्षा के